हेलो एवरीवन, ये रही 12th पार्ट एंड आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आए। आज वीकेंड पे सब लोग घर पे होते हैं और सियोजिन ने इन तीन गलत करता है क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सोहा के पास दिमाग की कमी है और बिजनेस ओपन करके वो सारे पैसे डुबाएगी ही। पर ये ढक्कन सोहा डोशी की एक नहीं सुनती है। ये उल्टा डोशी को कहने लगती है कि मैं तुम्हें अपने मॉल का डायरेक्टर बनाऊंगी जिससे तुम्हें स्टोर में पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें खूब सारे पैसे भी मिलेंगे। जूनकी और सियोजिन ने डिसाइड लिया है कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे क्योंकि अगर गलती से भी किसी ने डोंगो को बता दिया तो फिर डोंगो इनके जान ले लेगा। घर जाने से पहले सियो देखता कि जूनकी यहाँ से भाग गया होता है। अब डोंगो ने जूनकी का चेहरा तो नहीं देखा पर उसके रेड कोट को देखकर डोंगो को शक होने लगता है कि जरूर ये बंदा जूनकी ही होगा। डोंगो बार बार सियोजिन से सच उगलवाने की कोशिश भी करता है पर वो कहती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है और मैं उस जूनकी को किस क्यों करूंगी। जूनकी के घर लौटने से पहले ही डोंगो स्टिक लेके बैठ जाता है ताकि जूनकी अगर रेड कोट में दिखा तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि वो ही सियोजिन को आज किस कर रहा था और उसके बाद तो डोंगो उसे जम करके पीटेगा। थोड़ी देर बाद फाइनली जूनकी घर आता है मगर वो डोंगो के सामने अपने बॉस से फोन पे बात ही करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि आज सारा दिन वो बस काम में ही बिजी था। डोंगो तो गुस्से में जूनकी से पूछ लेता है कि सच बता, आज मेरी बहन को पार्क में किस करने वाला शख्स तू ही था। जूना घर में कम एंड यूं के पेस्ट्री शॉप पे ज्यादा रहती है जिससे डोंगो और भी ज्यादा चिढ़ गया होता है। इस टाइम पे उसके दो ही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पहला जूनकी और दूसरा वो यूंग। डोंगो के गुस्से से बचने के लिए शाम को सियोजिन फेक बॉयफ्रेंड बना करके ले आती है जिसे जूनकी ने ही बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कैसे करना है ये समझाया होता है। इस आदमी को देख करके डोंगो को बिलीव हो जाता है कि सच में सियोजिन और जूनकी के बीच में कुछ भी नहीं है। डोंगो जूनकी से कहता है कि अच्छा वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड तू नहीं है वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। ये बात सुनकर के तो जूनकी को बहुत डर लग जाता है। वो डिसाइड कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मैं डोंगो को कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं ही सियोजिन का बॉयफ्रेंड हूँ। सोहा अपनी ऑनलाइन शॉपिंग मॉल की एडवर्टाइजमेंट के लिए काफी हाथ पैर मार रही होती है ताकि लोग उसके वेबसाइट को जाने और शॉपिंग करें। पर जिस तरह सोहा अगल की अंधी है वैसे ही उसके एडवर्टाइजमेंट के आइडियाज भी सेंसलेस होते हैं। वो लाइव वीडियो में डोशी को जबरदस्ती कुत्ते की हड्डियाँ खिलवा देती है ताकि ये देख कर व्यूअर्स अट्रैक्ट हों और फिर वो उनसे अपने वेबसाइट की बातें कर पाएगी। इधर जूनकी सियोजिन की लाइफ बहुत ही बुरी चल रही होती है। बेचारे डेटिंग के दौरान जब भी फिर यूना परेशान हो जाती है और घर पे रहकर इसकी देखभाल करने लगती है। इसका देखो तो बहुत ही मजा आ रहा होता है, आखिर हर टाइम यूना इसके पास जो होती है। डोंगो का हाल जानने के लिए और यूना से मिलने के लिए यूंग भी घर आ जाता है। यूंग तो डोंगो के नखरे देख कर समझ जाता है कि डोंगो का पांव बिल्कुल ठीक है, वो बस यूना के सामने एक्टिंग कर रहा है। सियोजिन अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल गई थी, वो यूना को कॉल करके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने को बोलती है जिसे सोहा का मूड कार ड्राइव करने का होता है। वो स्नैक्स चबाना छोड़ करके जूनकी को अपनी कार देने बोलती है। फिर वो अपने साथ डोशी को भी लॉन्ग ड्राइव पे ले जाती है मगर व्यूअर्स इनकी ये लॉन्ग ड्राइव कुछ ज्यादा ही लॉन्ग हो जाती है। दरअसल जूनकी की कार बस कहने के लिए कार है, कार का नाम उसने रिबेका रखा है और ये कार बरसों से जूनकी की जान है। कार का एक भी पार्ट सही नहीं होता है जिसे ब्रेक टूट के इनके हाथ में आ जाती है। ब्रेक टूटने की वजह से कार को चलाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ रही होती है, कार खुद ही चल रही होती है। डोशिक और सोहा कार को किसी तरह से डरते हुए कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में ले आते हैं जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा थोड़ा कम हो जाता है मगर काफी देर कार में बैठे रहने से सोहा को एसिडिटी हो जाती है और पोप किए बिना उसे रहा नहीं जा रहा होता है। डोशी की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई होती है, उसके पेट में भी बहुत दर्द हो रहा होता है। इस टाइम पे भगवान इनके सुन लेते हैं और कार खुद ही चलते चलते रुक जाती है जिसके बाद तो ये गधी सोहा यहीं खुले में चली जाती है पोप करने के लिए। और व्यूअर्स इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।